बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब सेंटर में आपका होस्ट मोहम्मद अबूज़र। दोस्तों आज जो मुख्तलिफ़ किस्म के असामियाँ हैं, 400 प्लस असामियाँ हैं, 404 जो टोटल असामियाँ हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वजारत दिफाई पैदावार हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स ला बोर्ड टैक्स ला कैंट के ज़ेर साया पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जा सकता है। पाकिस्तान के जो तमाम सूबे हैं उनमें ये सीटों की तकसीम है, तो इनकी तफसील बताते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश कि नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें, ताकि हर आने वाले जॉब की वीडियो और उसकी अपडेट आप लोग हासिल कर सकें। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को करें लाइक। मैं बताता हूँ आपको ये तफसील, बहुत ज़्यादा तादाद में यह असामियाँ हैं इसमें। जो पैलम पर ये वर्क्स मैनेजर की जो है वो एक असामी है, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में यानी किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से डिग्री हासिल करने के बाद सरकारी दफ्तर में काम करने का तजर्बा भी हो, 30 से 45 साल। इसके लिए एज लिमिट है। स्पेशलिस्ट पैथोलॉजी के लिए जो असामियाँ हैं दोस्तों, 18 असामियाँ हैं, माफ़ कीजिए 2 असामियाँ हैं, और इनके लिए जो तलीम रखी गई है वो यानी पैथोलॉजी यानी FSC, माफ़ कीजिएगा FCPS पैथोलॉजी में होना चाहिए। सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए जो असामियाँ हैं उनके लिए MBBS मांगा गया है, 50 साल तक तलीम रखी गई है, और सिविलियन के लिए 30 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। दोस्तों इसी तरह जो मुख्तलिफ़ किस्म की 7 असामियाँ असिस्टेंट वर्क्स मैनेजर की, उनके लिए तलीम रखी गई है मैकेनिकल टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में यानी किसी भी उनसे डिग्री हासिल होनी चाहिए, और 20 से 35 साल इसके लिए एज लिमिट है। इसके अलावा दोस्तों सिविल नर्स खातून के लिए जो 16वां ग्रेड है, 3 असामियाँ हैं, इनके लिए BSc नर्सिंग होना चाहिए और 24 से 45 साल एज लिमिट रखी गई है। स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 14वां ग्रेड है, इनके लिए FA साथ MS ऑफिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कंप्यूटर में जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 और जो शार्ट हैंड है वो 80 अल्फाज पर मिनट होना चाहिए। इसी तरह फिर चार्ज मैन की जो असामियाँ हैं वो टोटल 14 असामियाँ हैं, तमाम सूबों से हैं। इसके लिए दोस्तों मैकेनिकल ऑटो एंड डीजल इलेक्ट्रिकल में जो डिप्लोमा होता है वो होना चाहिए, यानी डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, और तलीम एज इनके लिए 20 से 30 साल रखी गई है। तो बहुत सी असामियाँ हैं। उसके बाद सुपरवाइज़र 2 की जो असामियाँ हैं दोस्तों, इसके लिए 25 असामियाँ हैं, यानी इसमें मैकेनिकल में ऑटो एंड डीजल इलेक्ट्रिकल जो इनका है, या जो उसके अलावा मेटलर्जी और लेबॉरेटरी टेक्नीशियन, ये लोग अप्लाई कर सकते हैं, 20 से 30 साल एज लिमिट है। कैचर के लिए दोस्तों जो 2 असामियाँ हैं उनके लिए BCom मांगा गया है, और इसी तरह सुपरवाइज़र 1 के लिए जो असामियाँ हैं 31 असामियाँ हैं, और इनके लिए दोस्तों जो तलीम मांगी गई है टेली कम्युनिकेशन या मेटलर्जी, इसमें कोई भी ट्रेनिंग में कम अज़ कम 2 साल का कोर्स होना चाहिए। और इस तरह उसके बाद जो मुख्तलिफ़ किस्म की हैं सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए 7 असामियाँ रखी गई हैं, सिक्योरिटी इंटेलिजेंस डिवाइसेस जो काम हो वो जानता हो, और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल एज लिमिट इसके लिए रखी गई है। स्कर्ड की जो असामियाँ हैं 94 असामियाँ रखी गई हैं दोस्तों, इनमें जो तालीमी कबलियत रखी गई है मैट्रिक साइंस के बाद जो ऑटो एंड डीजल मैकेनिकल का जो पहले बता चुका हूँ यानी डिप्लोमा वो होना चाहिए, 18 से 30 साल एज लिमिट है। आर्म्ड फोर्सेस के लिए 45 साल एज लिमिट है, और इसी तरह स्टोर मैन की जो असामियाँ हैं मैट्रिक पास स्टोर मैन का तजर्बा होना चाहिए, 40 साल तक एज लिमिट है। फिर ड्राइवर जो है हैवी, तो इसके लिए जो है ना 8वीं मिडिल तलीम होनी चाहिए, मैकेनिक यानी ड्राइविंग का तजर्बा होना चाहिए, 45 साल तक एज लिमिट रखी गई है। क्रेन ऑपरेटर के लिए मिडिल पास के साथ क्रेन का ड्राइवर होना चाहिए, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। तो बहुत ही अच्छा मैं दोस्तों आगे फिर नर्सिंग असिस्टेंट है, ड्राइविंग फोर्स लिफ्टर है, इसी तरह फिर जो असामियाँ हैं अगले नंबर पर जिसमें वेटर है, सिक्योरिटी वर्कर है, मिसालची है, कुक है, वेटर, नैब कासिद, लेबर, इन तमाम के लिए जो तालीम रखी गई है मैट्रिक रखी गई है, मैट्रिक मिडिल तालीम रखी गई है। तो ये तमाम असामियाँ जाकर बनती हैं 404 असामियाँ।
तालीम जो है इनकी प्राइमरी से लेकर आपके सामने बीए तक रखी गई है इंजीनियरिंग के शोबे में भी। और अब मैं अप्लाई करने का तरीका बताता चलूँ दोस्तों, ये परफार्मा दिया गया है, ये आप लोग ख़ुद भी कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, ये जो आमतौर पर कंप्यूटर सेंटर हैं वहाँ जाकर आपने ये परफार्मा अपना लेना है इसमें, और इस तरह का परफार्मा आपने मुकम्मल तौर पर पूर करना है। ये तमाम परफार्मा आपके सामने दिया गया है, इसको फिलअप करके आपने 6 जनवरी 2020 तक डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन हैवी इंडस्ट्रीज टैक्सला के नंबर पर एड्रेस पर आपने अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। दोस्तों ये पूरा परफार्मा आप लोग देख भी सकते हैं, अखबारात में भी आया हुआ है, और अगर आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट करें, हम उसका जवाब देंगे। बहरहाल ये बहुत बड़ी तादाद में असामियाँ हैं, आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।